मेरे हस्बैंड के बाद तो मेरे को एक ही उम्मीद था, अरे है एक जॉब, मैं कैसे भी करके लड़ झगड़ के जीऊँगी। दो बच्चे, दो 9 महीने का बच्चा और 7.5 साल का बेटा, तो अब वो उम्मीद भी मेरे से छूट गई। मैं आरएमएल में 2009 जून 3 को ज्वाइन किया था। 13 से 14 साल का नौकरी हमने किया है। इस बीच में हमें बहुत जेल सहना पड़ा। फरवरी को हमारा टर्मिनेशन ऑर्डर भेज दिया था, वो भी ऑनलाइन मीडियम से भी हमें मिला था। तो उसमें 151 कैंडिडेट का लिस्ट था। उसमें से अभी 43 को उन्होंने फर्स्ट कम वालों को तो निकाल दिया। ये ए टर्मिनेशन ऑर्डर 15 दिसंबर 2030 को हमें सिर्फ ऑनलाइन मीडियास में, मतलब तो फ़ोन या व्हाट्सएप में भेजी गई, तुम्हें टर्मिनेट कर दिया, तुम साइन करके ले लो। मैंने तो मैटरनिटी लीव के बाद नवंबर में मैं ज्वाइन किया था, हम बिल्कुल एक्सपोज हो रहा था। हम जिस दिन बुखार हुआ था, एक दिन का डिफरेंस में सबको बुखार हो गई। फोर्थ डे में दोनों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील होने शुरू हो गई, तो उन दोनों को एडमिट कर रहा था। 3 अप्रैल हस्बैंड का, 4 अप्रैल फादर का, मतलब तो 11 बजे 11:58 का टाइम है, डिक्लेयर टाइम हस्बैंड का है, और 4:30 या 4:45 का है फादर लॉ का, मतलब तो वही सेम नाइट में। एक साथ दो अडल्ट मेंबर्स घर से खोया तो आप लोग भी समझ सकते हैं, मतलब तो 9 महीने की एक बच्ची थी और 8 साल का बेटा बच्चा था। जब इनका डेथ हुआ तो मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ के करीब थी, बाकी तो हस्बैंड का अकाउंट में था, वो भी मेरे को विदड्रॉ नहीं कर पा रहा था। फादर लॉ के पास भी जो जितना भी था सारे फ्रीज हो गई, अकाउंट भी सारे फ्रीज हो लोग। जितना भी हमारा हाथ में अमाउंट है वो एक ही बार में हमें हाथ से निकल जाते हैं। तो हमें है कि एक जॉब है ना, सैलरी आने तो हमें पता है इतना तारीख तक तो वो अमाउंट आता है, हमें आगे बढ़ सकते हैं उसको उम्मीद से, मगर वो एकदम हाथ से छूट गए थे तो दो बार सोचना होता है। आगे का हमें पता नहीं क्या होता है। 13 साल के बाद कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर भी उनका भी कोई मतलब ही नहीं होता। 35 एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय एप्लीकेशन के लिए तो मैक्सिमम एज होता है, कोई उम्मीद ही नहीं है कहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक जो सेकेंड वेव के बीच में ही एक दिन बताया था, और जो भी बंदे को तुमने कोविड ड्यूटी के लिए करवा रहा है वो 100 डेज कंप्लीट करेंगे, उनको आगे हमारा परमानेंट रिक्रूटमेंट में बेनिफिट्स दे दी जाएगी। मेरा तो एक ही रिमाइंड है, जो हमारा जैसे 13 साल 14 साल काम करने के बाद एक दिन तुम, हाँ 13 साल 14 साल तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन में कोई भी बंदा काम करता है, और 13 साल के बाद या 14 साल के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक नहीं है, तुम चले जाओ करके रास्ते में निकाल के फेंक दिया, तो क्या जो एक बच्चे हाथ में है एक बच्चे गोद में है, दोनों को लेके कहाँ जाए, कहाँ कहाँ उतरे।